पौड़ी में नागपंचमी के अवसर पर नागदेव मंदिर में 3 दिन से चल रहे पूजा अर्चना कार्यक्रम के बाद विशाल भंडारे का आयोजन हो रहा है। हर साल की तरह इस साल भी मंदिर में भक्तों की लंबी कतार रखी हुई है। भक्त दर्शन करने के साथ भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। स्थानीय निवासी अनूप कंडारी ने कहा है कि सैकड़ों की तादाद में भक्तजनों ने आराध्य के दर्शन किए और दूध फल का प्रसाद चढ़ाया। साथ ही भंडारे को सकुशल संपन्न करवाने के लिए सभी लोग अपना सहयोग दे रहे हैं। पौड़ी से मुकेश पछति की रिपोर्ट। ये कार्यक्रम 3 दिवसीय होता है। मेन इसमें जो होता है कि जिन भक्तों में काल सर्पयोग के कारण उनके बाधाएं उत्पन्न होती है जीवन के अंदर, उसको खत्म करने के लिए काल सर्पयोग की पूजा होती है। तो ये 3 दिवसीय पूजा होती है। पहले दिन पूरे बाजार में मूर्ति को नहा के और पूरे बाजार में सारे मंदिरों में ध्वजारोहण करने के बाद यहाँ का आयोजन शुरू हो जाता है। और इसका मेन मुख्य उद्देश्य ये है क्योंकि ये नागपंचमी के दिन जो विशेष पर्व है नाग भगवान का, उसके ऊपर होता है। कई सालों तो उन्होंने रखा अपने मतलब यहाँ, मतलब उन्होंने दूध भी पिलाया उसको। उसके बाद जो है जब कुछ समय पश्चात उन्होंने ये कहा उस नाग मतलब जो है नाग देवता ने कि मुझे जो है कहीं ऊपर ऐसी चोटी पे छोड़ दीजिए। तो वहाँ से कोई आदमी आया तो इसको घेरे पे एक टोकरी मतलब जो घेरा होता है टोकरी टाइप में उसको लेके नागदे में आया। तो उसको यहाँ पे लघु शंका हुई तो उसने यहाँ पे इसको जो है बिछा दिया। उसको तो बिछाने के बाद यहीं पे ये विलुप्त हो गया। तो उस समय से जो है ये नाग देवता का जो है यहाँ पे जो है कि हम पूजन वगैरह पुराने से मतलब पुरानों से लेकर